बीच वाले को अपने तरफ करो, करो करो और करो, फूल ले जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं बताया हूं कि कैसे ये नए आदमी की ट्रेनिंग होती है, जो कि ये सऊदी अरब में ट्रेनिंग, ये हमारे दोस्त हैं, ये इनकी एक जॉब ऑफर हुआ है फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए। तो मेरे से आके बात की है कि भाई मुझे थोड़ा ट्रेनिंग दे दो ताकि मैं चलाने के लिए आसानी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने बोला चलो ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोचा चलो आज मैं इनको बता ही देता हूँ कि कैसे ये ट्रेनिंग होता है। और फ्रेंड चलिए मैं आपको ये वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये गाड़ी चलता है और कैसे क्या होता है इसमें, कैसे इनके फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर जाके आप कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को भी देख के आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूँ, ये पहले मैंने 3-4 इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर आपको भी हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें मैं दिखाऊंगा, अपने फ्रेंड्स को मैं इसमें ट्रेनिंग करके। अभी तक उसने फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट गाड़ी पे उसने बैठा भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए। और फ्रेंड्स 2-4 दिन में समझ में आ जाता है वो किसी को भी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो को एक ज़रूर लाइक करो क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो एक बनाने के लिए। तो अगर आपका ऐसे ही प्यार और मोहब्बत रहा तो मैं ज़रूर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पहले इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ, फिर अपने फ्रेंड्स को मैं इस पर बिठा के मैं कुछ सामान इस पर उठवा के दिखाता हूँ उसको, कि देखता हूँ कि कितना हद तक सीख सकता है, कितना जल्दी सीख सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि गाड़ी ये सामने खड़ी है, कौन सा कंपनी का है आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए पूरा मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ ये कैसे चलता है। ये देखिए इससे फ्रेंड्स उठाया जाता है और इससे ऊपर नीचे होता है। ये देखिए इससे, और ये फ्रेंड्स ये हम लोग क्यों रखे रहते हैं, ताकि कोई बड़ा बड़ा कंटेनर आता है उसके अंदर सामान रहता है तो उसमें खींचने के लिए, इसमें बांध के खींचने के लिए होता है। और फ्रेंड्स ये फंक्शन की बात करें तो मैंने पहले भी वीडियो में मैं बताया हूँ कि फंक्शन इसके बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, तो आप जाके वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ये होता है सीट बेल्ट जो कि हर ऑपरेटर को लगाना होता है। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए इसमें क्लच नहीं होता है, ये आगे का ब्रेक है और पीछे का ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। और फ्रेंड्स ये ब्रेक के लिए है और ये है लाइट के लिए, देख लीजिए आप। और गियर मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से, और ये देखिए ये है गियर, आगे करेंगे आगे जाएगा, बीच में करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, और ये पीछे करेंगे पीछे जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। समझने की बात है तो इसको है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे दोस्त आ गए हैं, इन्होंने कहा था कि मुझे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बनना है, तो चलिए देखते हैं कि कितना जल्दी ये सीख सकते हैं। चलिए चालू करिए। ये देखिए इन्होंने चालू कर दिया है। अब इसके बारे में बताइए आपको क्या मालूम है, ये इससे क्या होता है?
हाँ, इससे क्या होता है ये जब इधर कर करके दिखाओ, करके दिखाओ, इधर करो तो ऊपर हो जाए। रुको रुको, ये देखो इन्होंने ऊपर किया है, अभी नीचे कर को, नीचे करो, ये देखिए वो नीचे कर रहे हैं, नीचे हो रहा है बस। ये बीच वाले से क्या होता है, ये साइड होता है। बीच वाले से करके दिखाओ, ये देखिए ये अपने तरफ से ये आएगा और आगे करेंगे तो ये आगे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं आप। और ये साइड वाला बताइए, ये देखिए ये दाएं और बाएं करने के लिए है, तो चलिए इसको बीच बीच में कर दीजिए बस। अभी थोड़ा सा ये इसको उठा लो, थोड़ा सा ऊपर करो बस। अभी क्या करना है आपको, ब्रेक पे पैर रखना है, वो साइड वाले ब्रेक पे। हाँ ये ब्रेक है, और आपको क्या करना है, अब इसको छुड़ाना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, छुड़ाओ ब्रेक, ब्रेक दबा के ये ब्रेक। हाँ ये हो गया, अब ये गियर लगाओ, ये गियर, ये गियर है, इसको आगे करना है, आगे आगे बस बस, छोड़ दो, हल्का हल्का ब्रेक छोड़ो, ब्रेक हटाओ बस, एक्सीलेटर मत दबाना, हटाओ ब्रेक बस। थोड़ा सा एक्सीलेटर ले लो, थोड़ा सा एक्सीलेटर लो बस, एक्सीलेटर को छोड़ दो, देख सकते हैं ये चलने लग गए। अब कट करो, सीधा कट करो, ज्यादा कट हो गया, थोड़ा सा कट करना होता है। चलो 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 आगे चलो, ब्रेक पे पैर रखो। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर की तरफ करो, हाँ और करो, हाँ अब जाने दो, ये पहिया सीधा करो नहीं तो कट हो जाएगा, नहीं ये इधर सीधा करो, नहीं नहीं ऐसे कट करो, हाँ चलो जाने दो, अभी जाने दो, थोड़ा सा नीचे करो, ये इसको नीचे करो, हाँ और थोड़ा नीचे करो बस, जाने दो जाने दो जाने दो, जाओ 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 और जाओ बस। अब इसको बीच वाले से उठाओ अपने तरफ, बीच वाले को अपने तरफ करो, करो करो और करो, फुल ले जाओ बस। अब ये पीछे का गियर लगाओ, पीछे लगाओ गियर, ये गियर 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 पीछे लगाओ बस, पीछे जाओ, अभी पीछे जाओ, हाँ ये देख सकते हैं आप कितना जल्दी इनको समझ में आ गया। चलो अभी वहीं पे, वहीं पे रिटर्न रखो, गियर आगे का लगाओ, चलो आओ आओ आओ, सेंटर मिला के देखते रहो, पूरा बराबर आना चाहिए इसके ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ बस करो। अब ये सबसे पहले बीच वाले को आगे की तरफ करो, बीच वाले को आगे, हाँ आगे की तरफ करो, आगे आगे, हाँ आगे करो बस। अब ऊपर वाले, ये साइड वाले को आगे की तरफ करो, करो बस। अब पीछे की तरफ जाओ, पीछे का गियर लगाओ,
जाओ 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 जाओ, थोड़ा इंसुलेटर लो। बस रोक दो, गियर को न्यूट्रल कर दो और गाड़ी को बंद कर दो। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कितना आसान है इनको सीखना। और आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या ये अभी तक इसलिए उसको ब्रेकर को दबाओ, ब्रेकर ब्रेकर लगाओ। हाँ, इससे पहले आप सीखे थे कभी, कभी चलाए थे? नहीं, कभी नहीं। कितना अच्छा है चलाना, कितना जल्दी सीख सकता है आदमी, बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फोर क्लिप ऑपरेटर बनना है आपको तो बहुत ही आसान है, आप 4 या 5 दिन में आपको हाथ इस पर सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में।